हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज का टॉपिक है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं कि जो मैं कहता हूँ कि मैं ब्रीडिंग स्टार्ट करना है, कम ऑन, ब्रीडिंग स्टार्ट करनी है तो मैं किस ब्रीड से स्टार्ट करूँ। मेरे पास आज चार ब्रीडें हैं, जर्मन शेफर्ड, बीगल, पग, कम ऑन, पग एंड रॉटवाइलर। अगर तो आप सिटी में रह रहे, वैसे मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी आप ब्रीडिंग का काम स्टार्ट करो तो बी श्योर कि थोड़ा अपने एरिए को आप स्टडी जरूर करो कि वहाँ किस ब्रीड की डिमांड ज़्यादा है और उसी हिसाब से आप ब्रीडिंग स्टार्ट करोगे तो फ़ायदे का सौदा हमेशा ज़्यादा रहेगा, फ़ायदा ज़्यादा आपको जल्दी होगा फ़ायदा। लेकिन फिर भी आप छोटा सा आइडिया है, अगर आप सिटी के नियर बाई हो, बिग सिटी, मेट्रो सिटीज, स्मार्ट सिटी के नियर बाई हो तो छोटी ब्रीड से स्टार्ट करोगे, जैसे जैनी, नो, मैंने काम करने के लिए छोटी ब्रीड से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। पग हो गया, बीगल हो गया, शिजू हो गया, लासैप्स हो गया, पोमरेनियन हो गया, ऐसी बहुत सारी ब्रीडें हैं जिनका बॉडी वेट 10, 12, 15 के आसपास रहता है, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सिक्योरिटी कंसर्न एरिया में रहते हो, शहर से थोड़ा बाहर रहते हो, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक ट्रेंड में होते हैं जर्मन शेफर्ड, अलग अलग कोट में आपको मिल जाएंगे, रॉटवाइलर, लेब्राडोर एंड बहुत सारी और ब्रीडें भी हैं जैसे डाबरमैन फिंचर, ग्रेडन हो गया, डिपेंड आपके एरिया में। लेकिन ज़्यादा लार्ज ब्रीड जैसे ग्रेडन है जिसका बॉडी वेट 25 से अधिक चला जाता है, वो ब्रीड अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप या तो फिर एक ब्रीड से स्टार्ट करो कि आपके पास सभी पग हो छोटी ब्रीड में, या फिर आपको सबका सभी रॉटवाइलर हो या जर्मन शेफर्ड। उसका फ़ायदा क्या है कि आपको मेटिंग के लिए एक स्टड रख सकते हो अपने फार्म में, अगर आपके पास 3-4-5 फीमेल हैं एक ही ब्रीड की। ज़्यादा फिर उसमें थोड़ा सा बंदिश ये हो जाती है कि क्या हर टाइम आपके पास उस ब्रीड, स्पेसिफिक उस ब्रीड का क्या कस्टमर आएगा जिसको आप सेल करना है। एंड ऑफ द डे तो पप हमें फिर सेल ही करने। तो जहाँ तो ज़्यादा विन विन सिचुएशन इस कंडीशन में आती है कि आप सभी ब्रीडों को, 2-3 बड़ लार्ज ब्रीडें, मीडियम कह लो, और 2-3 छोटी ब्रीडों से स्टार्ट करो, संभालने में भी आसान रहती है। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ मुझे अक्सर ऐप में वॉइस मैसेज आते रहते हैं, यूट्यूब पर क्वेश्चन आते रहते हैं, वो ये होते हैं कि आप, इशू सबसे बड़ा आता है मीटिंग का। आप फीमेल ले लेते हो, संभाल लेते हो, केयर कर लेते हो, हर एक चीज़ कर लेते हो, लेकिन बिग इशू आता है मीटिंग का, आपके नियर बाई स्टड अवेलेबल नहीं होता। तो जब भी आप स्टार्टिंग करो, एक तो हमेशा एक कस्टमर, ग्राहक की तरफ से जरूर देखो कि ग्राहक को क्या चीज़ पसंद आएगी, वो भी सब जानिए। एक मिनट प्लीज़, यानी आप सेल क्या ब्रीड, कौन सी ब्रीड इजी सेल कर पाओगे, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि उस ब्रीड, जो ब्रीड आपके नियर बाई आपने सेलेक्ट की है, क्या उसका स्टड अवेलेबिलिटी है नियर बाई, आपके नियर बाई कोई अच्छे सीनियर ब्रीडर होंगे, आप उनके साथ टच में रहिए, आपके नियर बाई कोई अच्छा पेट शॉप वाला होगा, फार्म होगा, डॉक्टर होगा, उसके टच में रहिए, क्योंकि उनको सब मालूम होता है कि किस स्टड का मेटिंग करवाने का रिजल्ट क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप साल में साल वेट कर एक ब्रीड तैयार करो और बाद में आपको मेटिंग के लिए डॉग ही अवेलेबल ना। तो बहुत ज़रूरी है माई फ्रेंड, जितना ज़रूरी है ब्रीड चूज़ करना, जितनी केयर के साथ ब्रीड चूज़ करना ज़रूरी है, उतनी ही केयर के साथ मीटिंग के लिए, जो एक साल के बाद समय आएगा, उसके लिए प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है। तो आपके नियर बाई जितने भी आपके, आप कभी भी, एक तो कभी भी पेट शॉप, या आपके एरिया में कोई पेट शॉप वाला है, या आपकी पेट शॉप है, या आपका फार्म है, आपके नियर बाई कोई फार्म वाला सीनियर है, आप प्रोफेशन में डॉक्टर हो तो आपके नियर बाई को सीनियर डॉक्टर है, तो आपके एक हद तक वो कंपिटेटर ज़रूर हो सकते हैं, बट ये नहीं कि आपके वो फ्रेंड ना हो। आप उनके साथ जितना हो सके फ्रेंड बनाइए अपने, क्योंकि ये एक जो हमारा काम है, एक चेन की तरह है, एक कम्युनिटी की तरह है। जितना हम एक दूसरे के हेल्प कर पाएंगे, एक दूसरे से नॉलेज ले पाएंगे, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करेंगे, उतना ही हमारा काम बढ़िया चलेगा, खुलेगा, फलेगा। तो प्लीज़ माई फ्रेंड, एक तो ब्रीड एक से मत स्टार्ट कीजिए, जितना मैं कहूँगा, हर तरह की ब्रीड रखिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अपने एरिया को थोड़ा स्टडी कर। और दूसरा बेस्ट है कि आपके नियर बाई जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी आपके नियर बाई कोई भी डॉग का काम करता है, चाहे वो होम ब्रीडिंग ही करता हो,
उसके साथ टच में रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये कुछ थे टिप्स कि आप ब्रीडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो आजकल, क्योंकि आजकल यंग किड्स, चाहे वो बॉय है गर्ल है, वो ब्रीडिंग में आना चाहता है। तो प्लीज़ थोड़ा, मैं बार बार कहता हूँ, एरिए को, अपने प्लेस को स्टडी कीजिए कि वहाँ कौन सी ब्रीड रख सकते हो, आप कौन सी संभाल सकते हो। और एक ब्रीड से ज़्यादा बेटर है कि मिक्स हर तरह की ब्रीड रखिए, स्मॉल जैसे कि पग, बीगल, रॉटवाइलर एंड वो दो मेरे शरारती। तो हर ब्रीड रखिए, क्योंकि जब आपको एंड ऑफ द डे सेल की बात आएगी, नौ जैनी आप ही किंग हो, यहाँ के क्वीन हो, कुछ नहीं कहेगा वो। और हमेशा ब्रीड अलग अलग टाइप की रखिए, ताकि आपका आपकी शॉप से कभी भी कस्टमर खाली हाथ आ जाए। तो ये है मेरे चार अलग अलग ब्रीडें और चार मस्ती को, तो आपको पसंद आए हैं ना। हो गया भागम भाग, हो गया, चलें अभी। तो संडे का दिन इनके साथ, और इसको हमेशा रहता है कि इसकी पोजीशन कोई छीन ना ले, और यानी वो पॉसिबल नहीं है, तो आपकी पोजीशन कोई नहीं छीनेगा, बस बस जानी बस। लेकिन मैं सबसे प्यार करता हूँ। बाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टीम की तरफ से आपको वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर माय फ्रेंड्स। वो आपका ये साल खुशियों भरा हो, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो। हमारी टीम की तरफ से, बोला शोला की तरफ से, आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और माय फ्रेंड, इस न्यू ईयर में हम आपके लिए ऑफर लाए हैं। दिस पूरे जनवरी महीने में पहले 3 लकी कस्टमर दिस जनवरी मंथ में जो हमारी फ्रेंचाइज लेंगे, बुकिंग अमाउंट पर 50% ऑफ होगा। मैं फ्रेंड, ये छोटा अमाउंट नहीं है। तो जल्दी से नीचे दिए हुए नंबर पर मैडम अनु मल्होत्रा है, या हमारा IBR नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। एंड एक और ऑफर है आपके लिए, जो पहले 20 अपने डॉग हमारे साथ रजिस्टर कराएगा, भोला शोला का कार्ड वगैरह एंड माइक्रोचिप लेगा, तो उस पर भी हम 20% लेस कर रहे हैं। तो माई फ्रेंड, बम्पर ऑफर है फर्स्ट फ्रेंचाइजर के लिए, जो फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड ऑल्सो जो अपना डॉग रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम ये गिफ्ट दे रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। तो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर माई फ्रेंड, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ये लिमिटेड टाइम तक है, ओनली जनवरी मंथ तक वैलिड है। तो प्लीज़ जल्दी से कॉल कीजिए, शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।